नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco X3 Pro वर्सेस Oppo F19 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco X3 Pro में 6.51 इंच जबकि Oppo F19 में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco X3 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco X3 Pro में 3.02 इंच जबकि Oppo F19 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco X3 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco X3 Pro में 0.37 इंच जबकि Oppo F19 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 Pro में 215 ग्राम्स जबकि Oppo F19 में 175 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco X3 Pro में IPS LCD जबकि Oppo F19 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Oppo F19 में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco X3 Pro में 84.61% जबकि Oppo F19 में 84.38% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco X3 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo F19 में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco X3 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo F19 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco X3 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo F19 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco X3 Pro में Adreno 640 जबकि Oppo F19 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco X3 Pro में Qualcomm Snapdragon 860 और Oppo F19 में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco X3 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo F19 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco X3 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo F19 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco X3 Pro में अप टू 1TB जबकि Oppo F19 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco X3 Pro में 5160mAh जबकि Oppo F19 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco X3 Pro में 3 कलर्स जबकि Oppo F19 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको X3 Pro में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें ओप्पो F19 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco X3 Pro में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो F19 की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में ओप्पो F19 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में पोको X3 Pro आगे है। परफॉर्मेंस में पोको X3 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।